बैजरों के अधिशासी अभिनंता हैं और पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, कर्मठता के साथ इसके बाद धन्यवाद। अब भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे जितने भी आज तक एक्शन आए, ऐसा अभी तक नहीं हुआ, और जोर से बोलेंगे क्योंकि सारा वो सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं यहाँ पे आ रखी। ऊंचे अधिकारी हमारे बीच में, और पहली बार आए आए हमारा ताला खोलने के लिए, हमारी पीड़ा मिटाने के लिए आए, क्योंकि हमने ताला लगा रखा था अपने डिविजन पर, हमारा शोषण किया गया था। तो ग्राम मटेल के निवासियों को उम्मीद जगी थी कि अब जल्दी हम भी सिर में थैले लेके हमें नहीं जाना पड़ेगा। रुक दो भाई, हमारे बच्चे बाहर बैठे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, खतरनाक पोजीशन बनी हुई है। क्यों? तो ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जो है काम किया। अपने विकास की बात आती है, वहां पर हमारी महिला शक्ति आज हमारे पास इतनी आई है। मैं बहुत दूर अग्नि छो, मैं दिखावा कुछ छो, सहनार बिहार गाँव से शासन में जा रखा है, और मैं देहरादून जाना ही पड़ता है, सब काम देहरादून से होते हैं, पर दो तीन दिन हफ्ते में मैं आपको यहाँ मिलूंगा आपकी बातें सुनने के लिए। अब मेरे संज्ञान में जितनी भी सड़कें आएगी जी, उपड़ खाबड़ है, ये है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक हो जाए। मोखंडी जी से बहुत उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे बहुत कुछ करेंगे, जो भी बिगड़े हुए काम है उनको सुधारेंगे। कुमाऊँ और गढ़वाल का हमारा नाता रिश्ता है, वहाँ पे हमारे सारे रिश्ते होते, तो ये एक तो ये बनेगा। क्षेत्र में जो है होटल उद्योग बनेंगे, आपके सियूंसी से, बीरूखाल से, बैजरों से जो है जोगीमढ़ी तक, जो है यहाँ जोगीमढ़ी आपने देखा हो कितना बढ़िया जगह, इतना बढ़िया स्थान है। उत्तराखंड में कई ऐसे अधिकारी हैं जो हमारे उत्तराखंड मूल के हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग के डीएम है, एक हरिद्वार के डीएम है, और उस जमात में अब आपका नाम ही शामिल हो रहा है, क्योंकि लोग आपको काफ़ी चाहते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे रहें, काम करें लंबे समय तक। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अपने घर में आके तो अच्छा ही महसूस होता है। मैं आया इसलिए क्योंकि मेरा घर संकट में था, तो मैं आया।